सो फाइनली दोस्तों चार दिन की चांदनी और लाहौर पे अंधेरी रात, लाहौर पे काली रात, किसको लगी लाहौर की नजर, लाहौर डब्बा बंद क्यों नहीं हो रही है, उनकी बातें, उसकी चर्चा, सनी देओल की अपकमिंग मूवी पर क्या है साजिश। गाइज लाहौर मूवी आपको बता दूं 6 महीने बाद की डेट रखी गई है आज से। एंड गाइज ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में आएगी, यानी कि टोटली दोस्तों पिंक मिला ने साफ साफ बोल दिया अपनी रिपोर्ट के अंदर की फिल्म 2025 जनवरी में नहीं आ रही। दोस्तों भाई ये कल रात की रिपोर्ट आई है, ताजा ताजा फ्रेश दोस्तों क्या है कहानी कोई नहीं देगा ये रिपोर्ट, क्योंकि पूरी ये एक्सक्लूसिव खबर ओनली टू दिस प्लेटफॉर्म दिस चैनल रवि चौधरी तेरी मेरी बातें पर। दोस्तों गाइस करूंगा बड़े बड़े खुलासे क्योंकि आप लोग देख रहे हैं रवि चौधरी तेरी मेरी बातें। आइए शुरू करते हैं। सो भाई लोगों थैंक यू सो मच फॉर प्यार देने के लिए, लाइक कमेंट करने के लिए, एंड आज रात 9 बजे लाइव आऊंगा एग्जैक्ट टाइम पर। भाइयों देखो यार इस टाइम पे सबसे बड़ी फिल्म है लाहौर 1947, एंड जब से कल से पिंक मिला की रिपोर्ट मैंने पढ़ लिया ना मेरा दिमाग हुआ खराब, क्योंकि आज से 4 महीने पहले से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको कि भाई साहब लाहौर 1947 पोस्टपोन होगी, स्काई फोर्स सोलो रिलीज हो सकती है। दोस्तों लाहौर 1947 जनवरी गणतंत्र दिवस में नहीं आ रही है, सितारे जमीन 25 दिसंबर को आनी थी क्योंकि 6 दिसंबर को पुष्पा 2 आ रही है, इस वजह से 25 दिसंबर क्रिसमस की डेट रखी गई, बट सितारे जमीन की भी पोस्टिंग जो है वो पोस्टपोन कर दी, उसकी नई रिलीज डेट आएगी। गाइज भाई क्या कर रहे हैं यार राजकुमार संतोषी एंड आमिर खान, ये आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों सनी देओल के करियर को फिर से डुबाने की साजिश हो रही है, क्यों है दोस्तों इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, क्यों एकदम से चुप्पी सद गई है, क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है लाहौर 1947 पे। दोस्तों ये फिल्म एक बहुत बड़ी आंधी फिल्म है, लेकिन लाहौर 1947 का जहां पर एक कट रेडी हो चुका है उस कट का उस टीजर का कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा, क्या 19 अक्टूबर को ये न्यूज सुनने को मिलेगी कि लाहौर 1947 पोस्टपोन हो गई है और इसकी रिलीज डेट ये आएगी, क्या हमें ये देखने को मिलेगा। गाइस सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरा हो रहा है दिमाग खराब भाई, बहुत बहुत सन्नाटा सा छा गया है, एंड साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि बुक माई शो पे इंटरेस्ट चालू नहीं, हाइप ठंडा डाउन हो चुका है, बज सोशल मीडिया पे दोस्तों स्काई फोर्स के चर्चे चल रहे हैं, ठीक है भाई क्या हो रहा है। गाइस कल की जो आर्टिकल मैंने पढ़ा ना अब मानोगे नहीं भाई, मूड खराब हो गया, कहा जा रहा है कि भाई लाहौर 1947 चलो ठीक है आमिर खान के प्रोडक्शन में बैनर बन, आमिर खान के बैनर तले ये फिल्म बन रही है, भाई राजकुमार संतोषी एंड दोस्तों आमिर खान एक बार फिर से मिलकर एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई फिल्म आमिर खान जिसमें मेन लीड में होंगे एंड राजकुमार संतोषी उसको डायरेक्ट करेंगे। भाई इस फिल्म का नाम है 4 दिन की चांदनी, अरे भाई तुम 4 दिन की चांदनी बनाओ या 2 दिन की रात बनाओ, लेकिन लाहौर 1947 पे काली साया किस बात की, क्यों है उतना अंधेरा, लाहौर 1947 पे चर्चा क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों आमिर खान जो है राजकुमार संतोषी के साथ इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो काम कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है नई फिल्म का, और आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो फिल्म है 4 दिन की चांदनी अगले साल से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लोर में समर में, यानी कि 2025 के समर में 4 दिन की चांदनी की शूटिंग स्टार्ट होने शुरू हो जाएगी, उससे पहले तब तक ये आपकी सितारे जमीन पर एंड लाहौर 1947 रिलीज हो जाएगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि आखिर क्यों यार आप जानबूझ के लाहौर 1947 कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। गाइस बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो यार मैंने आर्टिकल में जो पढ़ा है ना उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, देखो यार राजकुमार संतोषी और आमिर खान की फिल्म आई थी 1990s के अराउंड विद सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, आमिर खान, अंदाज अपना अपना एक कॉमेडी मूवी थी। उसके बाद जब से लाहौर 1947 को इन्होंने साइन किया है राजकुमार संतोषी के साथ, इन्होंने एक प्रोजेक्ट और साइन कर लिया 4 दिन की चांदनी, ये एक पैट्रियोटिक फिल्म होने वाली है, इसमें भी एक्शन देखने को मिलेगा। एंड गाइज ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहद ही खतरनाक स्क्रिप्ट है जो आमिर खान इस पर काम कर रहे हैं। आप देखो यार दोस्तों ये एक रियूनियन हो रहा है एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आमिर खान की सितारे जमीन पे जब मैंने देखा तो उसकी भी अभी एडिटिंग पार्ट जो है काम चल रहा है, उसमें लिखा है आर्टिकल के अंदर स्पेशली कि भाई इसके एडिटिंग पे काम चल रहा है एंड अभी इसकी रिलीज डेट जो है अभी फाइनल नहीं हुई है, लाहौर 1947 का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। गाइस पिंक मिला की रिपोर्ट नहीं पड़ी थी जाके पढ़ना, ये एक फेक न्यूज़ नहीं है, वार्निंग दे रहा हूँ आपको, आप पिंक मिला की रिपोर्ट पढ़ सकते हो दोस्तों, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लाहौर 1947 की जो क्या बोलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन से वो अभी भी चल रहा है। और दोस्तों फिल्म मेकर दे आर अनश्योर, वो श्योर नहीं है, राजकुमार संतोषी और आमिर खान जल्दी ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं अपनी नई फिल्म के, तो करेंगे 4 दिन की चांदनी की ऑफकोर्स, जिसमें मेन लीड में हमारे आमिर खान होंगे, सनी देओल की फिल्म नहीं है, आमिर खान की और भी फिल्में आ रही दोस्तों, आपको बता दूँ कि सितारे जमीन पर आ रही है,
आर एस प्रसाना की मूवी है। लाहौर 1947 भी आ रही है जिसमें उनका 30 मिनट्स का एक्सटेंडेड कैमियो है। बट लाहौर 1947 जनवरी में रिलीज ना होके फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में, मतलब दोस्तों ये फिल्म जनवरी में ना होके फरवरी में आ सकती है या मार्च एंड तक भी आ सकती है, मतलब गणतंत्र दिवस में नहीं आ रही। स्काई फोर्स जो है सोलो रिलीज होगी कन्फर्म है। एंड साथ ही साथ इन दोनों की जब पोस्ट प्रोडक्शन से एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ये बता रहे हैं लोग कि इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। प्री प्रोडक्शन डन है दोनों फिल्मों का, सितारा जमीन पर एंड लाहौर 1947 का, लेकिन अभी भी इनकी फाइनल एडिटिंग नहीं हुई है, अभी भी इनका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। एंड गाइस एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी दोनों फिल्मों को लेकर, जिसमें उनकी रिलीज डेट बताई जाएगी आफ्टर जनवरी 2025। मतलब कुल मिला के गणतंत्र दिवस पर लाहौर 1947 नहीं आ रही है, और लाहौर 1947 गणतंत्र दिवस पर नहीं आई दोस्तों तो फिर ये फिल्म फ्लॉप है, इसे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये फिल्म की डेट सन्नी पाजी की दो ही होती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी दोस्तों। उस टाइम पर अगर ये फिल्म नहीं आती है तो फिल्म को लॉस का सामना करना पड़ेगा। राजकुमार संतोषी को दोस्तों कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पर, और मुझे समझ नहीं आ रहा डिसीजन कौन ले रहा है, क्या हो रहा है, बॉलीवुड की साजिश है क्या, ये क्या आमिर खान की साजिश है सन्नी पाजी की फिल्म को गिराने का नतीजा है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा दोस्तों। हालांकि कुछ सॉन्ग्स भी शूट हो चुके हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो डालूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, 4-5 सॉन्ग है जो कि आपको इसके बाद वीडियो मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जब मैंने सुना कि भाई साहब चार दिन की चांदनी मूवी पे साइन कर लिया गया है, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि साला ये हो क्या रहा है। नई नई फिल्में बनाओ लेकिन पुरानी फिल्मों का डब्बा बंद करते जाओ, फिल्मों का हाई बना के तुम ठंडा कर दो। भाई सन्नी पाजी की अभी तो फिर दो ही फिल्में चल रही है, बॉर्डर टू एंड ऑफकोर्स SDGM। बाप का कुछ आता पता नहीं चल पा रहा है, अभी बनी थी फिर बाद में फिर बाप जो है होल्ड पे आ गई। सफ़र का पता है कुछ नहीं चल पा रहा है, पता नहीं एस उदयपुरकर कहाँ है। एंड गाइज सूर्या का इतनी अच्छी फिल्म होने के बाद उसका भी पता नहीं चल पा रहा है। मुझे लगता है कि दोस्तों सन्नी देओल को ऐसे प्रोड्यूसर मिलते ही क्यों है जो उनके साथ नाइंसाफी करते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर क्या फ़ायदा। सो गाइस आई एम रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम लाहौर 1947 अपडेट। भाई टीजर रेडी है, सब कुछ रेडी है, सो टीजर ही रिलीज कर दो यार, कम से कम हाइप तो बने, एक पोस्टर तो रिलीज कर दो, ठीक है तुम पोस्टपोन कर दो मूवी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट एक पोस्टर तो आना चाहिए था ना कि भाई साहब इसकी रिलीज डेट मार्च में होगी चलो। लेकिन अभी बुक माई शो पे इंटरेस्ट चालू होता तो साला हम प्रमोट तो करते, हम लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे दोस्तों, आप लोग मेहनत करो यार, हम एक प्रमोशन तो करते इस फिल्म की, इसकी सपोर्ट तो करते दोस्तों। भले हमें पता है रिलीज डेट होली पे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाइज ये लोग बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत ही आमिर खान से मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आमिर खान अपने स्वार्थ ज्यादा दिखा रहे हैं। इन्होंने सितारे जमीन पर प्रमोशन किया, अलग अलग पॉडकास्ट में जाकर लाहौर 1947 का जिक्र ना करके सितारे जमीन पर प्रमोशन कर रहे हैं। चार दिन की चांदनी उस फिल्म की प्रमोशन चल रही है, लेकिन लाहौर 1947 की प्रमोशन बिल्कुल नहीं चल रही है, लाहौर 1947 की हाइप बिल्कुल नहीं हो रही है। ऊपर से ऊपर दोस्तों पिंक विला रिपोर्ट में मुझे पढ़ना पड़ रहा है कि भाई इसकी रिलीज डेट 6 महीने बाद की है, व्हाट द हेल यार दोस्तों क्या हो रहा है। सो टोटली डिसअपॉइंटेड, और मैं सन्नी पाजी से यह कहूँगा ऐसे प्रोड्यूसर और ऐसे डायरेक्टर के साथ काम ना करें जो शायद आपको ना समझते हो। राजकुमार संतोषी एक बेहतर डायरेक्टर है जो घायल घातक दामनी जैसी बड़ी फिल्मों बनाने के बाद लाहौर 1947 में कैसे गिर सकते हैं और कैसे इस फिल्म की हाइप को ठंडा कर दिया भाई। सो गाइस क्या लगता है आपको, क्या लाहौर 1947 वर्सेस स्काई फोर्स अभी भी एक साथ आएगी क्लैश? क्या लगता है दोस्तों कि ये फिल्म पोस्टपोन होगी? कितने लोगों को लगता है ये फिल्म पोस्टपोन होगी, कितने लोगों को लगता है कि भाई क्लैश होगा कंफर्म, कमेंट करके बताओ दोस्तों। और क्या आमिर खान और राजकुमार संतोषी को वाकई में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लाहौर 1947 अभी भी आपको लगता है कि हिट होगी फ्लॉप होगी? कमेंट करके बताओ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद एक नई वीडियो आएगी लाहौर 1947 पे, देखना जरूर। एंड थैंक यू दोस्तों, प्यार देते रहना, सन्नी देओल फैंस असेंबल हेयर, एंड गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू।